हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के फर्स्ट चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। तो आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र सम्मिलित हैं? निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है भारत, इनमें से तीसरा डी नंबर ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, सी नंबर इज राइट। चलिए पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारा बिहार ही सबसे पिछड़ा राज्य है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दो वर्गों में बांटा गया है। चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन भागों में, बी नंबर, तीन भागों में बांटा जा सकता है। चलिए आठवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का आठवां क्वेश्चन है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25,494 रुपये। 25,400। नवा क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 से 1956। 1951 से 1956। चलिए दसवें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दसवां नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का 11वां नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन, मानव विकास सूचकांक के तीन सूचक है। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का 12वां नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। चलिए 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिनों के लिए। 100 दिनों के लिए राइट आंसर इज ए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का 14वां नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवनोपार्जन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए
15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का 15वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ऑप्शन है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का 16वां नंबर क्वेश्चन है, एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर, बी नंबर उत्पादन कुशलता पर, सी नंबर अधिकतम लाभ पर, डी नंबर लोक कल्याण पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, लोक कल्याण पर। चलिए 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का 17वां नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, डी नंबर है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आय प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, श्रीलंका की, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का 19वां नंबर क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहा जाता है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी उस देश को तो विकसित ही कहा जाएगा ना। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का 20वां नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अमेरिका, अमेरिका। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का 21वां नंबर क्वेश्चन है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार होता है। इसका राइट आंसर है पूंजीवादी। 22 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किसकी प्रधानता है। ऑप्शन है उद्योग, पशुपालन, खनिज, कृषि। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, बिहार में कृषि की प्रधानता है। चलिए 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का 23वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का 24वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग, बिहार झारखंड के बंटवारे में बिहार में चीनी उद्योग ही रह गया। चलिए 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का 25वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जीवन पालन का मुख्य साधन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि, बिहार में जीवन पालन का मुख्य साधन कृषि है। चलिए 26वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का 26वां नंबर क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए 27वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का 27वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 2015 में भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 2015 में। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत का क्या किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजों ने भारत का विकास एवं शोषण किया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए 29वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा आज का 29वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार के विकास में कौन एक बहुत बड़ी बाधा है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा बाढ़, बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ी बाधा। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।